भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 4 सूचियां जारी कर दी हैं। भाजपा अब तक 291 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रामपुर और पीलीभीत समेत 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवार यूपी से हैं। पीएम मोदी को लोकसभा में चुनौती देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वाराणसी से अजय राय को बनाया गया प्रत्याशी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। उन्हें 28 मार्च को राउज एवेन्यू को अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज जेल में पहला आदेश जारी किया। एक नोट के जरिए उन्होंने जल विभाग को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया एक्स पर इन मुद्दों पर की गई पोस्ट, विकास में बाधा बनने वालों पर चलता रहेगा बुलडोजर, हिंदू भारत की मूल आत्मा शरीयत को बताया व्यक्तिगत विषय। कांग्रेस ने भी जातीय संतुलन का रखा है ध्यान, दानिश अली को अमरोहा, इमरान मसूद को सहारनपुर, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार को बनाया है प्रत्याशी। कांग्रेस ने कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से प्रदीप जैन, आदित्य बाराबंकी से तनुज पुनिया, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह और बांसगांव से सदल प्रसाद को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस सपा इंडिया गठबंधन ने सहारनपुर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक इमरान मसूद को बनाया प्रत्याशी। इमरान मसूद ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जताया आभार। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर एसएसबी कैंप कार्यालय पर दोनों देशों के अधिकारियों की हुई कोऑर्डिनेशन बैठक। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने से लेकर बॉर्डर पर विषम परिस्थिति से निपटने पर हुई चर्चा। महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाराबंकी में सास बहु सम्मेलन का किया गया आयोजन। सम्मेलन में सास बहुओं ने निर्भीक होकर धर्म जाति वर्ग समुदाय के प्रलोभन के बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की ली शपथ। लोकसभा चुनाव में कोई भी बालिग व्यक्ति वोट करने से न छूटे, इसके लिए मतदाता बनने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। ये आवेदन 23 अप्रैल तक चलेंगे। दो तरह से आवेदन किया जा सकता है, एक तो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन हो सकता है। मुख्तार अंसारी केस में लापरवाही बरतने पर जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेल राजेश कुमार और अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि पुराने मामले में तीनों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सशस्त्र बल कर्मियों के साथ मनाई होली। खराब मौसम के कारण सियाचिन का दौरा हुआ रद्द। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, होली का पर्व गौरवशाली परंपरा, विविधता और सांस्कृतिक विरासत का है प्रतीक। गोरखपुर में होली पर्व 26 मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भक्त प्रहलाद की भव्य शोभा यात्रा और भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दोनों शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। लखनऊ में 3480 स्थानों पर होगा होलिका दहन। 10 स्थानों पर लगेंगे मेले, 9 स्थानों से निकाली जाएगी शोभा यात्रा। पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद। होली के त्यौहार को देखते हुए पीजीआई, केजीएमयू लोहिया समेत सभी सरकारी अस्पतालों के ओपीडी रहेंगे बंद। इमरजेंसी सेवा रहेगी चालू, बेड रहेंगे रिजर्व। एटा की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने होली ब्रोकली का पापड़ बाजार में उतारा, जिसकी जमकर बिक्री हो रही है। ब्रोकली के पापड़ की एटा में जबरदस्त मांग हो रही है। लखनऊ के चौक में 3 दिनों तक मनाया जाएगा होलिका उत्सव। 25 मार्च को कोनेश्वर मंदिर से निकलेगा रंग जुलूस। चौपटिया के प्रसिद्ध होली जुलूस का 50वां वर्ष।